स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक सच्चा गुरसिख कभी मजाक में भी मजाक नहीं करता, परंतु क्यों, क्या एक सच्चे गुरसिख के लिए मजाक करना भी वर्जित है? आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। YouTube चैनल यही है सच में। इस समय आप सुन रहे हैं नरेश को। एक सच्चा गुरसिख सदा ही मर्यादित जीवन जीता है। वो हमेशा ऐसा जीवन जीता है जैसे जीवन की अपेक्षा उसके गुरु उससे करते हैं। वो इस मायावी संसार में, इस मायामय संसार में जीवन जीते हुए हर क्षण हर पल इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं कभी भी उससे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिसको देखकर संसार के लोग उसके गुरु पर उंगली उठाने लगे। एक सच्चे गुरसिख का जीवन हमेशा शांत, स्थिर और उसके गुरु के मन को भाने वाला होता है। तथापि कई बार वो जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर जाता है जिसका उसे खुद तो एहसास नहीं होता, परंतु वो गुरसिखी की कसौटी पर सही नहीं उतरते। और वो सच्चा गुरसिख ऐसे काम कभी भी संसार के लोगों के सामने या उनके साथ नहीं करता। ऐसे काम वो अक्सर जाने अनजाने में अपने गुरसिख भाइयों के साथ कर जाता है, और उस समय वो ये भूल जाता है कि ये काम गुरमत की कसौटी पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते, मगर फिर भी वो करता है। और इसलिए करता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी ही एक सच्ची घटना दास यहाँ आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा है। आप इसे ध्यान से देखिएगा और इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि गुरमत की राह वास्तव में कितनी कठिन है। घटना कोई 20-22 वर्ष पुरानी है। हमारी ब्रांच के नजदीकी एक दूसरी ब्रांच के कुछ सेवादार महात्मा समागम से पहले लंगर सेवा के लिए वहां पहुंचे और सेवाएं होने लगी। एक दिन सवेरे सवेरे उनमें से कुछ महात्मा बैठकर आपस में हंसी मजाक करने लगे। वो हंसी मजाक करते हुए जोर जोर से खिलखिलाकर हंसते रहे। ऐसा लगभग आधा घंटा होता रहा। उन महात्माओं के साथ एक वो महात्मा भी थे जो इस समय हमारी ब्रांच में है, और इन महात्माओं ने वो घटना दास को बताई। और जब लगभग आधा घंटा बीत चुका था तो पंजाब के एक बुजुर्ग महात्मा उनके पास पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे, भाई महापुरुषों आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो गुरमत के बिल्कुल ही खिलाफ है। अब सारे के सारे महात्मा शांत हो गए। वो सेवा दल के सारे महात्मा उन्हें आश्चर्य से देखने लगे कि आखिर हमें हंसी मजाक करने से क्यों रोका जा रहा है। पंजाब के उन बुजुर्ग महात्मा ने थोड़े से सख्त स्वर में कहा, आपके व्यवहार से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप सेवादार हो। सेवादारों का ये व्यवहार नहीं होता। सेवादारों का व्यवहार तो बड़ा ही मर्यादित और संयम से भरा हुआ होता है। आप लोग आपस में बड़ा ही अमर्यादित और चंचलता से भरा हुआ व्यवहार कर रहे हैं। गुरमत में ये शोभा नहीं देता। आप में से कुछ महात्मा बहुत अच्छे हैं, परंतु उन अच्छे महात्माओं को भी आपने अपने साथ मिलाकर उन्हें गुरमत के विरुद्ध कार्य करने को विवश कर दिया है। याद रहे, जो सच्चा गुरसिख होता है वो मुस्कराता भी मर्यादा में है, वो मजाक भी मर्यादा में करता है, और वो हंसता भी मर्यादा में ही है, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। इस पर उनमें से एक गुरसिख जो बहुत जोर जोर से हंस रहा था अभी कुछ देर पहले, वो कहने लगा, महापुरुषों जी गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा, परंतु क्या हंसना भी मना है, क्या मजाक करना भी मना है? इस पर बड़े ही गंभीर स्वर में पंजाब के उन बुजुर्ग महात्माओं ने कहा, सोचो विचार करो, यदि परमात्मा ये रमाराम ये निरंकार तुमसे थोड़ी सी भी मजाक कर ले तो क्या तुम इसकी मजाक को सहन कर पाओगे? उन महापुरुषों के इस प्रश्न को सुनकर सन्नाटा पसर गया वहां, खामोशी बिल्कुल मौत के जैसी खामोशी वहां पर छा गई। अब उन महापुरुषों ने आगे बढ़कर उन्हें समझाते हुए कहा, संतो महापुरुषों याद रहे, गुरमत का मार्ग बहुत ही मुश्किल है। एक सच्चे गुरसिख को अपना हरेक कदम उठाने से पहले, मुंह से शब्द निकालने से पहले ये सोचना और परखना पड़ता है कि कहीं मैं गुरु मर्यादा के विरुद्ध तो नहीं जा रहा हूं, और यदि उसे जरा सा भी डाउट हो कि मेरे मुख से निकलने वाले ये शब्द गुरु मर्यादा के विपरीत हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, तो उसे तुरंत वो शब्द
वापस ले लेने चाहिए, मुंह से बाहर ही नहीं निकालने चाहिए। याद रहे, सतगुरु ने हमें ये ब्रह्म की दात देकर हमें जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त कर दिया है, मोक्ष प्रदान कर दिया है, और हमारा ये मोक्ष बना रहे, मुक्ति की अवस्था बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम वो काम करें जो गुरु हमसे कराना चाहते हैं। हम वो काम ना करें जिनसे गुरु अप्रसन्न हो जाए, निरंकार अप्रसन्न हो जाए। मजाक में भी किसी से मजाक ना करें, ये ध्यान रखें कि कहीं मेरी ये मजाक मेरे लिए मजाक तो नहीं बन जाएगी। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इस वीडियो के बारे में आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।